साले ये रात के 2-2 बजे तक रील्स भेजना बंद कर दे तू। क्यों, क्या हुआ? कल रात को जब मैं तेरी रील्स पे खी खी करके हंस रहा था ना, तो मेरी मम्मी को शक हो गया मेरे पे। एक तो वैसे ही कोई लड़की नहीं है लाइफ में, उल्टा मम्मी जो मेरी शादी के लिए लड़की ढूंढ रही है, वो ढूंढना ना बंद कर दे गई। यार मुस्कान, एक बात कहूँ? हाँ कहो ना। इतने वक्त से हम रिलेशनशिप में, फिर भी सिवाय तुम्हारा हाथ पकड़ने के और स्कूटी पर तुम्हारे पीछे बैठकर तुम्हारे बाल सूंघने के अलावा और कुछ नहीं किया मैंने। हाँ तो हाँ, तो जो मेरी शक्ति है वो बेवजह बहती चली जा रही है, और रिलेशनशिप में होते हुए भी मेरे कपड़ों पर तुम्हारे लिपस्टिक के निशान के बजाय सिर्फ और सिर्फ मेरी नाइट फॉल के धब्बे हैं। तो चाहते क्या हो तुम? तो मैं बस ये चाहता हूँ कि हम किसी ऐसी जगह मिले जहाँ सिर्फ तुम और मैं हो और हमारी सांसों की आवाज है। सो रोमांटिक चूतिया, शादी से पहले नजदीक मत आना मेरे, ठीक है? और नाइट फॉल के लिए डायपर पहना कर लौड़ू। देखो भाई, ये दारू और सिगरेट ये सब तो फालतू ही बदनाम है, इनको छोड़ने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर सच में कुछ छोड़ना ही है तो सबसे पहले अपने उस लुक्खे दोस्त को छोड़ो जिसकी वजह से तुमने ये सब पीना शुरू किया। दोस्त बदलो, आदत नहीं।